समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यह कहकर इस चुनावी जंग को और रोचक बना दिया कि उनकी पार्टी अगर प्रदेश में सत्ता में आती है तो वे बीजेपी से जल्दी समय में अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना कर देंगे। बीएसपी चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को आगरा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ज्यादातर नीतियां जातिवादी, पूंजीवादी और आरएसएस के एजेंडे पर ही केंद्रित रहती हैं। अमित शाह ने बदायूं की रैली में कहा कि एसपी और बीएसपी सरकार के कार्यकाल में यूपी माफिया सेंटर बन गया था, लेकिन अब अपराधी तीन ही जगह दिखते हैं, यूपी से बाहर, बदायूं जेल में या फिर समाजवादी पार्टी में। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी को नहीं छोड़ रही हैं। स्वाति सिंह ने कहा कि वह भाजपा में ही हैं और भाजपा में ही रहेंगी। पार्टी ने अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया होगा। बीजेपी से सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट बदल दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब कुशीनगर की पडरौना से नहीं बल्कि फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रगान का अपमान करने के एक मामले में मुंबई की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा है। यह मामला पिछले साल दिसंबर का है। बिहार के मोतिहारी से वायरल वीडियो ने बिहार बोर्ड की पोल खोल दी है। यहाँ इंटर की परीक्षा के दौरान कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ी का हेडलाइट जलवाना पड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने जा रहे वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित शर्मा ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि शुरुआत करने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकता। मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को हाल ही में अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उनकी हार्ट सर्जरी हुई। फैंस उनकी सेहत को लेकर टेंशन में आ गए हैं और जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की नई फिल्म झूंड और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट जारी कर दी गई है। अमिताभ की झूंड 4 मार्च और भूल भुलैया 2 20 मई को रिलीज होगी।